अमरत्व प्रदान करने, जितने भी उनके और पास आए, बेचैनी को तसल्ली मिली जब उन्होंने निर्णय किया वो सही। स्वामी शंकरानंद पब्लिक स्कूल के स्थापना बीच में जब विद्यालय का निर्माण कार्य चल रहा था मेरी मुलाकात उनसे हुई थी। उन्होंने यह प्रस्ताव रखा था कि सर मैं एक विद्यालय अपने स्वर्गीय पिताजी के नाम पर खोलना चाहता हूं और इसके माध्यम से मैं सामाजिक कार्य करना चाहता हूं। मैंने उन्हें सलाह दिया कि ये आप जिम्मेवारी बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं और इस कार्य में मेरे जैसे अनुभवी लोगों की कुछ आवश्यकता होगी तो आप निश्चित रूप से याद करेंगे। मैं मेरी जहां भी आप आवश्यकता उपयोगिता समझेंगे मैं आपके आदेश का पालन करूंगा, मार्गदर्शन करूंगा। और उनके वार्तालाप से ऐसा लगा कि उनके मन में शिक्षा के प्रति कार्य करने की बहुत अधिक अभिलाषा है और विद्यालय से उन्होंने प्रारंभ किया है और शायद वह कोई दिन दूर नहीं होगा जब वो महाविद्यालय की भी स्थापना करेंगे और वो इस क्षेत्र में बहुत सारे संस्थाओं का निर्माण कर अधिक से अधिक लोगों को शिक्षित करने का कार्य करेंगे। मैं इस महाविद्यालय क्योंकि महाविद्यालय में मैं कार्यरत हूँ, मैं अपना परिचय एक पंक्ति में दूं कि मैं राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय बीएड कॉलेज देवघर में प्राचार्य के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूं और एक वर्ष पूर्व मैं अभी वर्तमान में दीप नारायण मेमोरियल टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज चांदन ब्लॉक में है जिसके निदेशक सचिव श्री भारतेंदु दुबे जी हैं जिनका जसीडी पब्लिक स्कूल भी है। उस महाविद्यालय में मैं बतौर प्राचार्य के रूप में कार्य भी कर रहा हूं और मैंने दिनेशानंद जी को भी पूरा भरोसा दिलाया है कि जब भी मेरी मार्गदर्शन के योग्य कोई भी कार्य हो मुझे याद करेंगे। मैं किसी भी समय हमेशा मैं आपके सामने उपस्थित रहूंगा। ढेर सारी शुभकामनाएं इस विद्यालय को मेरी ओर से, धन्यवाद। तो संक्षेप में संबोधन और शुभकामनाएं हो, निवेदन होगा हमारे अतिथियों से। मैं अब निवेदन करना चाहता हूं श्री राम सेवक सिंह गुंजन सर से कि सर आप मंच पर आवें और आप अपने विचार इस विद्यालय के प्रति और अपने पब्लिक स्कूल को उद्घाटन में शामिल होने वाले सरस कुंज के सभी भोले भाले निष्कलुष हृदय वाले बच्चे, वहां से आई हुई माताएं, अभिभावक स्वरूप बुजुर्ग, विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुख, निदेशक, प्राचार्य, शहर के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए अभिभावकगण, इस विद्यालय के संस्थापक श्री दिनेशानंद झा जी, इस विद्यालय की संस्थापक सचिव श्रीमती शारदा देवी जी और अन्य सभी गणमान्य, इस विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं, दिनेशानंद झा ऊपर वाले ने हर चीज खुले हाथों से इन्हें दी है, लेकिन पिछले करीब 7 वर्षों से मैंने इनमें कुछ परिवर्तन देखा। इनकी सोच में, इनकी चिंतन धारा में एक नया परिवर्तन, भीतर एक नई ललक, कुछ ऐसा करें जिससे मन को शांति मिले, दिल को तसल्ली मिले और ऐसा महसूस हो कि हमने समाज के लिए कुछ किया। जिस समाज ने हमको उपकृत किया है उस समाज के लिए भी कुछ हम करें। और सौभाग्य यद्यपि इनके पिताजी के साथ मेरी कभी बातचीत भी नहीं हुई,
लेकिन जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था तब कभी मुझे देखने का अवसर मिला और किसी ने बतलाया था इनके बारे में, इनके पिताजी के बारे में। और जब मैंने कई बार उनको देखा इस शहर में, दो चार जगह उनकी खास बैठकें होती थी और लोगों से मैंने जाना और सुना कि जो कोई भी इनके करीब एक बार आ जाता था तो फिर कभी दूर नहीं होता था। खुली किताब थी, कहीं कुछ छिपाने की जरूरत नहीं होती थी और पैसे को पकड़कर बैठने की भी कोई तमन्ना कभी नहीं रही, खुला हाथ भी था। जिस प्रकार से खुले हृदय से उन्होंने सबों को बांटा और लुटाया और दिया, ऊपर वाले ने और बाबा बैद्यनाथ ने उनके ऊपर कृपा की और उनकी संतति एक आदर्श पुत्र दिनेशानंद झा, जिनके भीतर भी एक बेचैनी थी अपने पिता के इस नाम को अमरत्व प्रदान करने का, और उस बेचैनी को तसल्ली मिली जब उन्होंने निर्णय किया स्वामी शंकरानंद पब्लिक स्कूल की स्थापना की। मुझे लगता है कि आज के समय में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां लोग सब कुछ करते हैं, पैसे भी कमाते हैं, यश और प्रतिष्ठा भी कमाते हैं, लेकिन मन को संतोष, आत्म संतोष प्राप्त करने के अवसर सबों को नहीं मिलते। लेकिन एक विद्यालय संचालक, एक ईमानदार शिक्षक जितनी तसल्ली प्राप्त कर सकता है, उसे अपने पूरे जीवन में अपनी उपलब्धियों पर जितना गर्व महसूस हो सकता है शायद दुनिया में और किसी भी दूसरे कार्य से जुड़े हुए लोगों को नहीं हो सकता है। और इस स्वामी शंकरानंद पब्लिक स्कूल के माध्यम से दिनेशानंद जी ने जो अपने समाज में बच्चों की सेवा करने का जो बीड़ा उठाया है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य के साथ एक आदर्श शैक्षणिक संस्थान बनाने की इनकी ललक है। ऐसे कोई दो तीन महीने पहले जब इनसे कभी मुलाकात कहीं हो गई और इन्होंने चर्चा की तो इनके भीतर एक छटपटाहट थी कि मैं कैसे अपने विद्यालय को बेहतरीन से बेहतरीन बना सकूं, और तब से ही इनके भीतर एक बेचैनी है कि जल्द से जल्द एक स्वरूप देकर के इसे हम CBSE से मान्यता प्राप्त कर लें और यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को एक आश्वस्ति मिले कि यहाँ से ही उन्हें एक प्रमाण पत्र भी मिलेगा, कहीं और जाने की जरूरत भी नहीं, बड़ा क्षेत्र भी है और एक अच्छी टीम शिक्षकों की इनको मिल चुकी है। और दिनेशानंद जी ने जैसे कि अपने उद्बोधन में यह स्पष्ट कर दिया कि वो यथासंभव शिक्षकों को भी सहयोग करते रहेंगे और यहाँ जितने बच्चे अध्ययन करेंगे वो अपने परिवार के सदस्य के रूप में होंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस विद्यालय में बहुत जल्द एक नई कीर्तिमान को स्थापित करने का अवसर देखने को मिलेगा। जिस समर्पण की भावना के साथ इस विद्यालय की स्थापना हुई, यदि उसी समर्पण और निष्ठा के साथ यहाँ के शिक्षक समूह अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे तो स्वामी शंकरानंद पब्लिक स्कूल बहुत जल्द इस शहर में अपनी एक पहचान बना सकेगा। यह मेरी शुभकामना भी है कि बहुत जल्द यह विद्यालय उस मुकाम को हासिल करें। कहते हैं, किसी ने कहा है कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। अरे मंदिर तो कभी भी बना लेंगे, चलो सबसे पहले एक स्कूल खोला जाए। एक स्कूल खोला जाना कितना महत्वपूर्ण है, जब वहाँ एक अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, भारतीय आदर्श परंपराओं से जोड़े रखने का प्रयास आज के इस भागम भाग के युग में, भौतिकवादिता के दौर में जब हम सिर्फ अंधानुकरण कर रहे हैं पश्चिम का, वैसे में मेरा निवेदन होगा दिनेशानंद झा जी से कि बाबा बैद्यनाथ की नगरी में स्थापित इस विद्यालय में भारतीय आदर्श परंपराओं, भारतीय आदर्श संस्कृतियों को अक्षुण्ण बनाए रखने की कोशिश और भारतीय अस्मिता को बचाए रखते हुए आधुनिकता के साथ शिक्षा प्रदान करने का प्रयास हो। मैं सिर्फ दो बातें आपको कह देना चाहूँगा, जितने अभिभावक हैं, अभी पिछले दो वर्ष पूर्व भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए संस्थान IIT ने भारत सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी थी संस्थान ने कि हमारे पास बहुत अधिक मार्क्स लेने वाले बच्चे आ रहे हैं लेकिन ज्ञान की कमी है, जानकारी की कमी है, डेप्थ नहीं है उनको विषय में। और तब पता चला कि हमने जो पश्चिमी तकनीक अपना ली पढ़ाने की,
उस तकनीक हमारे विद्यार्थियों को खोखला बना दिया। हमारी जो आदर्श परंपरा रही है पढ़ने की, आज पुनः सीबीएसई ने सीसी पैटर्न को खत्म करके पुराने पैटर्न को लाया। उसके पीछे ये कारण है कि जब तक हम सांगो पांग अध्ययन नहीं करेंगे, जब तक विद्यार्थियों पर एक प्रेशर नहीं होगा इस मामले में कि हमें अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करनी है। सिर्फ पास हो जाना, उत्तीर्ण हो जाना उद्देश्य नहीं, ज्ञान हासिल करना उद्देश्य होना चाहिए। तो वो प्रयास होना चाहिए भारतीय व्यवस्था के साथ अपना तालमेल बनाते हुए अधिक से अधिक जानकारी बच्चों में हम दे सकें, उनकी ज्ञान की अभिवृद्धि कर सकें और स्वामी शंकरानंद पब्लिक स्कूल को एक नई बुलंदी दे सकें। यहाँ के शिक्षक, यहाँ के प्रबंधक, प्रबंधन से जुड़े हुए सारे सदस्य, यही आज मेरी शुभकामना है। एक बार पुनः विद्यालय के इस उद्घाटन के अवसर पर पूरे विद्यालय प्रबंधन से और विद्यालय से जुड़े परिवार के सभी सदस्यों को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।